नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, रेड ओवर ग्रीन आज एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहा है और इसके लिए हमारे साथ हैं 1971 ऑपरेशंस के वॉर वेटरन और डेकोरेटेड सोल्जर। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है और मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं ब्रिगेडियर रणबीर सिंह, AVSM, BRC, जून 57 IMA से पास होकर 4 मराठा में कमीशन मिला। 4 मराठा लाइट इन्फेंट्री के नाम से जानी जाती है, हमारी रेजिमेंट लाइट इन्फेंट्री के नाम से जानी जाती है। 71 वॉर के टाइम में मैं उससे पहले तंगधार में 104 ब्रिगेड में स्टाफ में पोस्टेड था और जब लड़ाई की वो शुरू होने से पहले मुझे मार्च 71 में 15 मराठा जो कि हमारी रेजिमेंट की नई पलटन 66 में रेज हुई थी, उस वक्त सिर्फ 5 साल पुरानी पलटन थी, उसमें मुझे पोस्ट किया। तो पलटन में 4 मराठा से 15 मराठा में पोस्ट हो गए। दस राइट कर। तो उस वक्त जब आप पोस्ट हुए तो आप पलटन कहाँ थी? उस वक्त पलटन पीस स्टेशन में जलंधर में थी और क्योंकि फिर मेरा सीनियर कमांड कोर्स आ गया तो मैं उस समय आर्मी कोर्स के लिए तुरंत चले गए पोस्टिंग के बाद। मैं वहाँ से तुरंत पलटन से फिर मऊ में कोर्स के लिए चला गया। तो उस समय तो लड़ाई की अंदेशा था, तो फिर वहाँ क्या पूरा कोर्स हुआ? नहीं, लड़ाई के अंदेशे की वजह से कोर्स को छोटा कर दिया और नवंबर 71 में ही कोर्स को ख़त्म करने के लिए मैं पलटन में जो कि उस वक्त जलंधर से आगे जाकर ऑपरेशन एरिया में चली गई थी, डिफेंडेड एरिया में, वहाँ जाके मैंने ज्वाइन किया। मैं बटालियन का सेकंड कमांड था और पलटन हमारी यंग पलटन थी, बहुत जवानों में बहुत जोश था और उस वक्त मैं भी यंग था, वो उतना ही जोश मेरे में भी था। तो मैं अपना जो जितनी भी यहाँ की जो टेरेन है, यहाँ का जो एरिया है, उसके जानकारी के लिए रात दिन निकल जाता था। बैटल ऑफ बुर्ज जहाँ लड़ा गया, उस इलाके से मैं आपकी वाकफियत कराना चाहूँगा। आप अपना ध्यान इस स्केच पे ले जाएं। स्केच के पश्चिमी तरफ रावी नदी बह रही है और उसके बाद लाल हरे लाइन में इंटरनेशनल बॉर्डर दिखाया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ बाउंड्री पिलर 83 से लेकर 87 तक दिखाए गए। ये काली लाइन रावी नदी के साथ साथ एंटी फ्लड बंस है, जिसको लोकल भाषा में धूसी कहा जाता है। ये धूसी कोई 3 से 4 मीटर ऊंची और 2 से 3 मीटर चौड़ी होती है। जहां पर ऑब्स्टिकल नहीं होते हैं, आर्मी अमूमन इसके ऊपर डिफेंसेस लेती है। इसके अलावा यहां पर पड़ने वाले बॉर्डर आउटपोस्ट बुर्ज और फतेहपुर है। यहां पर गांव फतेहपुर, चानकला, दखतूट, वेरा और बुर्ज थे। स्केच से कोई 35 से 40 किलोमीटर पूर्व में अमृतसर पड़ता है। 1971 में पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि इस इलाके से ब्रेकआउट करके किसी न किसी तरीके से अमृतसर पहुंचा जाए और इसी वजह से बैटल ऑफ बुर्ज मशहूर हुआ कि इसमें पाकिस्तान की यह डिज़ाइन नाकामयाब हो गई। सर, उस वक्त गन्ने की खेती लगी थी, गेहूं की खेती लगी हुई थी? गन्ने की खेती लगी थी, ये दिसंबर का पहला ही हफ्ता था। गेहूं की तो खेती बहुत छोटी छोटी थी। तो लेकिन गन्ने की खेती मेरे ख्याल से लड़ाई की आशंका की वजह से काट नहीं रहे होंगे लोग। अब जैसे भी, चूँकि वहाँ के गाँव को
इवैक्यू खाली कर दिया था, सिर्फ पुराने आदमी जो बुजुर्ग आदमी थे और पुराने ही जानवर छोड़ के बाकी वहाँ से चले गए, जा चुके थे। तो इस हालात में 15 मराठा ऑपरेशनल एरिया में आई, तो ये स्क्रीन क्या होता है, स्क्रीन वहाँ लगाया आपने? पल्टन जो है डिफेंडेड एरिया में 96 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा बनकर एक जो एक्सिस बनती है जो यहाँ से लगाकर अजनाला रामरसर को जाती है, उसको डिफेंड करने के लिए 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री मुद और भिंडी औलख में डिप्लॉयड थी। तो जब 3 दिसंबर को जब पाकिस्तान ने वेस्टर्न सेक्टर में मोर्चा खोल दिया, और 3 तारीख की रात को क्या हुआ? 3 तारीख को दोपहर में कोई 3 बजे के करीब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमारे पूरे बॉर्डर पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया। उसकी बहुत बम हमारे बटालियन हेडक्वार्टर में भी मिली। मैं क्योंकि रैकी करने के लिए और खबर लेने के लिए आगे चला जाता था, जो हमारी स्क्रीन 4 प्लटून की स्क्रीन पोजीशन थी उसमें आता जाता रहता था, वहाँ भी ये बॉम्ब गिरे, लेकिन इनसे हमारी कोई ऐसी कैजुअल्टी ना तो आर्टिलरी फायर से हुई और ना दुश्मन के बॉम्ब से हुई। 3 तारीख की रात को दुश्मन ने अटैक करके जो बीएसएफ की पोस्ट गोगा बैलोल जो हमारे एनक्लेव रिवर रावी के नॉर्थ में थे, वहाँ से पीछे हट के उनको विड्रॉ कर हो गए वो, और हमारे इस एरिए के इलाके में बुर्ज और फतेहपुर से भी वो विड्रॉ कर गए। तो बीएसएफ की जो आउटपोस्ट थे, 4 आउटपोस्ट आपके इलाके में, गोगा बैलोल, बुर्ज और फतेहपुर से बीएसएफ की पोस्ट उन्होंने दुश्मन ने कब्जा कर ली। फिर चूँकि बुर्ज और फतेहपुर आपके सामने थी, तो फिर आपने क्या किया? हम वहाँ का सर्वेटरी का ऊंचे इलाके का फ़ायदा लेते हुए पेट्रोल भेजते हुए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जवान गणपत जो हैं इस काम में बहुत माहिर हैं, और उनको छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कि जो कि मुग़ल पीरियड के टाइम में उस वक़्त उनका मुकाबला करते थे वो याद आती हैं। उस बात में उन्होंने दुश्मन के बारे में बहुत खबर ली, और धोखे के लड़ाई में वो बहुत माहिर हैं। 3 तारीख को ही हमें ये लगने लगा कि दुश्मन की कुछ प्लान जो है ये आगे बढ़ने की है, लेकिन 4 और 5 तारीख को दुश्मन ने कोई ख़ास हमला ऐसा नहीं किया। उनकी आर्टिलरी फायर और एयरफोर्स की स्ट्रैफिंग और जो LMG MMG की फायर है यही चुटपुट में आती रही। तो फिर आपने 6 तारीख को क्या प्लान किया बटालियन ने? जब 5 तारीख की रात को ये देख के कि ये सारे रात बिजी रहे हैं, उनके ट्रुप्स जो हैं नहीं सो पाए हैं, और 6 तारीख को ये अपनी जगह चले गए हैं, ये इस वक्त रेस्ट कर रहे होंगे, हमें हमारे जवानों से साथ मिलकर ये सलाह बनी, ये इरादा बना कि अगर हम दिन के टाइम में अटैक करें बुर्ज एरिए में दूसरी बंद पर, तो दुश्मन को कभी भी ये अंदेशा नहीं होगा कि दिन में अटैक आ सकता है। तो आपने डे लाइट अटैक प्लान कर दिया? हमने डे लाइट अटैक कर दिया, और 12:30 बजे के करीब बटालियन हेडक्वार्टर से ऊपर ब्रिगेड हेडक्वार्टर तक ये खबर दी और बताया कि ऐसा लगता है कि दुश्मन जो है इस वक्त कभी भी नहीं सोचता होगा कि हम उन पर अटैक करेंगे। तो आपने बुर्ज को रिकैप्चर करने के लिए डे लाइट का अटैक का प्रपोजल भेज दिया, और इस पे सुना रजाबंदी भी मिल गई, अप्रूवल आ गया। 2:30 बजे के करीब मैंने अपनी जो रिक्वेस्ट में ये शामिल किया था कि एक ट्रुप 66 आर्मर रेजिमेंट का जो वहाँ मुझे अंडर कमांड मिले, और फील्ड रेजिमेंट डायरेक्ट अंडर कमांड मिले। आपको एक टैंक की दरकार थी और आर्टिलरी फायर की दरकार थी, ये दोनों मिल गए? ये मुझे दोनों मिल गए 2:30 बजे करीब। तो फिर आपने दिन में कब अटैक शुरू किया? फिर उनको गन्ने के पीछे खेत में उनको बता के कि हमें कुछ आदमी हमारे उनके फायर से बीच में माइन में या वैसे भी करेंगे, कोई रुकना नहीं है, और हमें क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कम है,
हमारे बीएसएफ के जवान तो पीछे से ही एक बड़ा अटैक का छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलकर यह अंदेशा देंगे दुश्मन को कि ये एक बड़ा अटैक है, लेकिन वो अटैक में नहीं जाएंगे, अटैक में तो हमारे ही जवान ये जाएंगे, तो इसलिए हमें। तो आपने उस वक्त कितने लोग थे आपके पास अटैक के लिए? इसके सामने बुर्ज के करीब करीब सामने तो 50-60 के करीब ही तो जवान थे। कहा जाता है ये बटालियन अटैक था, लेकिन इसमें मेजर रणबीर सिंह और सिर्फ 50 आदमी। अटैक तो नाम तो पलटन का ही होता है, चाहे उसमें एक आदमी काम करे या सब काम करे, हमारा नाम पलटन के नाम से जाना जाता है। आपने वाकई एक बटालियन अटैक जिसको हम अभी तक जानते थे, वो आपने 2-3 जेसीओ और 50-55 आदमियों के साथ ही अटैक कर दिया। 2:30 बजे खबर ये मिलने के बाद उनको इकट्ठा किया, उनको बताया कि रुकना नहीं है और एकदम से दूसरी बंट पर जाएंगे। दुश्मन इस हालत में हमें उम्मीद ही नहीं कर सकता कि हम अटैक करेंगे। तो आपने ये अटैक जब लॉन्च किया और गन्ने के खेत से बाहर निकले 50-55 और आप भी थे उसमें, तो क्या हुआ, कितनी जल्दी आप पहुंच गए वहां? एक लाइन में, हमने फ्रंट लाइन में, इसको एफयूपी बोलते हैं, बिल्कुल दाहिने बाएं का फासला रखते हुए मैं उनमें सेंटर में होते हुए जी, क्योंकि और मोबाइल ये वगैरह टेलीफोन नहीं होते थे जो आवाज दे सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, तो उतनी आवाज में ही वॉइस कंट्रोल में, लोगों वॉइस कंट्रोल में रखते हुए उनको बोला कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज बोलकर और तेज स्पीड से दौड़कर दूसरी बंद पर तो पहुंच जाएंगे। में हम पहुंच गए और सर वहां क्या देखा, जब आपने तेजी से पहुंचे और आपके अटैकिंग पार्टी पहुंची, जवान पहुंचे, तो वहां क्या देखा ऑब्जेक्टिव पर? वहां जो जवान जो वहाँ सोए हुए थे, बहुत ज़्यादातर सोए हुए थे, 1-2 या 3 पोस्ट पर सिर्फ उन्होंने LMG के नंबर 1 या 2 जो लगाए हुए थे, लेकिन उनके जूते वगैरह सब निकले हुए। और वहाँ पर आपने दुश्मन को वाकई सोते हुए पकड़ा, और जितने उनके जो जवान थे वो बहादुरी से जरूर लड़े, उन्होंने आखिर तक अपने हथियार नहीं डाले, जब तक ने हमने उनको अपना फायर करके या राइफल के फायर से या बैनेट करके उनको नहीं मारा, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। हमने उन... तो वही होता है जो दुश्मन की तारीफ करे और खुले दिल से करे। और ब्रिगेडियर रणबीर सिंह 43 बलूच के जवानों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनका इम्प्रेशन 43 बलूच के कमांडिंग ऑफिसर और अफसरों के लिए सेम नहीं है। आप पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों के बारे में क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे उनके लिए बहुत बढ़िया आरटी प्रूफ बंकर बना हुआ था, लेकिन उसमें वो अपनी मार्क मैप में बताया हुआ था कि ये उनकी एडवांस गार्ड बटालियन है 43 बलूच, और वो यहाँ से अजनाला होते हुए अमृतसर पर जाएगी, ये ब्रिगेड की एडवांस गार्ड बटालियन बनेगी। एडवांस गार्ड बटालियन थी और ये बटालियन को हमने कब्जा किया, और इनके सीओ साहब जो थे कर्नल नसरुद्दीन, वो वहाँ से भाग गए, वो वहाँ से अपना सामान छोड़ के, मार्क मैप, यूनिफॉर्म और बक्सा छोड़ के चले गए, भाग गए। उनके साथ जो उस पोस्ट पर और जवान थे, कुछ तो वहाँ हमने बंकर में मार ही दिया, और कुछ जो बाकी थे उनकी चाइनीज दी हुई RCL थी, मोटर प्लटून थे, मोटर के प्लटून, जो अफरा तफरी में भागे वो रावी नदी में डूब के मर गए, उनमें से बहुत से रावी रबी में डूब कर मर गए, और उनका कोई जवान यहाँ जिंदा हमने नहीं छोड़ा उनको। तो अभी सर यहाँ पर सिपाही पांडुरंग सालुंके के बारे में अगर बात ना की जाए तो बैटल ऑफ बुर्ज पूरा नहीं होता है। तो सिपाही पांडुरंग सालुंके का क्या रोल था और क्या एक्शन था? 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री, एक बेबी बटालियन कहना चाहिए, 5 साल पुरानी बटालियन थी। इसमें जो जवान थे उनका जोश बहुत पुराना, और वही छत्रपति शिवाजी महाराज की सिखलाई का जवान जोश था, लेकिन पांडुरंग सालुंके तो एक 4-5 सर्विस वाला आदमी था, और लड़ाई के मौके पे हर एक आदमी को हुक्म नहीं दिया जाता,
वो तो अपनी बहादुरी से, पता नहीं चलता कौन क्या करेगा, ये पांडुरंग सालुंके ने किया। इन्होंने जो रॉकेट लॉन्चर, लगता था कि हमारे जो टैंक राइट से हमें ऑब्जर्वेशन से फायर सपोर्ट दे रहे हैं, उनको नाडस्त कर दे, तो उन्होंने रॉकेट लॉन्चर पे जंप करके उस ट्रेंच को बर्बाद कर दिया। इसी टाइम में जो बंक साइड वाली पाकिस्तान की जो जवान थे, उन्होंने फायर करके इसको वहाँ मार गिराया और वहीं शहीद हो गए। इसी ऑपरेशन में आप भी घायल हुए थे, क्या हुआ था? कुतुब गुत्था की लड़ाई में एक्चुअली तो गोली लगी या ग्रेनेड लगा, उस थोड़ी देर तक तो कुछ पता ही नहीं चलता। आप ऑब्जेक्टिव पे थे उस वक्त? उस वक्त लड़ाई में हम दूसरे की लड़ाई में उनके जो बलूच सिपाही थे उनको मार रहे थे, बैनेट से मार रहे थे, राइफल से मार रहे थे और स्टेन गन से, मेरे पास स्टेन गन थी, उनसे मार रहे थे। तो उसमें ये लगी तो शुरू में तो इतना दर्द नहीं हुआ और ना पता चला। जब मेरा खून बहने लगा तो मेरा जो सहायक था जगदाले, सिपाही जगदाले ने अपना अंगोला शर्ट फाड़ के मेरे गए हाथ को, चूंकि लटक गया था पूरा फ्रैक्चर, पूरी तरह हाथ टूट गया था, मेरे गले में टांग दिया और अपने एक अपने और बनियान निकाल के जहाँ से खून निकल रहा था बाएं हाथ में उसको लपेट दिया। फिर भी खून तो निकलता रहा पर मैं होशवाश में था और अपने जवानों को बताता रहा कि ये अभी जब तक हम नहीं शांत होंगे जब तक इनका पूरा एरिया हम कैप्चर ना कर लें। बुर्ज की लड़ाई कब शांत हुई? कितनी देर के बाद एनिमी का अपोजिशन खत्म हो गया, आप पूरे कंट्रोल में आ गए? 8:30 बजे रात के, शाम के 8:30 बजे तक हम पूरा कब्जा कर लिया और हमने अपनी LMG और MMG दुश्मन की तरफ इस तरह से लगा दी कि अगर दुश्मन आता भी है तो हम उसको यहाँ मार गिराएंगे। तो कोई 3.5 घंटे की लड़ाई में बुर्ज पे कब्जा हो चुका था और आप फुली कंट्रोल में थे और उसी वक्त फिर आप घायल भी थे, तो कितनी कैजुअल्टी हुई थी? हमारी इसमें 9 कैजुअल्टी हुई और 26 जो है जख्मी हुए। तो सिर्फ आपके वहाँ पर 20 लोग बचे थे ऑब्जेक्टिव पे, तो फिर क्या पलटन से कुछ लोग आए? जब हमने 8:30 बजे के करीब मैंने पलटन को सक्सेस सिग्नल जिसको बोलते हैं रेड पिस्टल से फायर करके और रेडियो सेट पर खबर दे दी कि हमने पूरा कब्जा कर लिया है और हमें और फोर्स भेजी जाए, तो मेजर तेजा ब्राओ कंपनी के साथ जो कि उसके पास 2 प्लेटून के करीब बचे हुए थे वो बहुत तेज स्पीड पर वो 9:45 बजे तक तो आ चुके। वेलकम रिइंफोर्समेंट रहा होगा उनको, बहुत तो जान में जान आ गई होगी, जान में जान भी आ गई और ये भी मिल गया कि हमारी पलटन में कितना जोश है। पीछे के जवान तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कब आगे बुलाया जाए। सर इसी वक्त फिर आपको खून बह जाने के कारण वहाँ से इवैक्यूएट किया गया? मुझे वहाँ से जिसको रेजिमेंटल एड पोस्ट बोलते हैं, हमारे डॉक्टर ने और नर्सिंग असिस्टेंट ने कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाया, फिर मुझे स्टेशन पे वहाँ पीछे ले गए, वहाँ से फिर मुझे ट्रीटमेंट देते हुए आपको पीछे MH जालंधर गए, अमृतसर गए और उसके बाद आप फिर MH देहरादून मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून गए। तो सुना कि 16 दिसंबर को एकाएक आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए MH देहरादून में, क्या हुआ था? देहरादून में वहाँ के जो सब एरिया कमांडर हैं उन दिनों ब्रिगेडियर लक्ष्मण सिंह थे, मुझे पूरा याद है कि इतने बहुत तारीफ के साथ 2-3 अपने स्टाफ अफसर के साथ कुछ सपने खाने पीने के फ्रूट लेने के साथ आए और बताया मुझे और हॉस्पिटल के CO को बताया कि मेजर रणबीर सिंह को वीर चक्र मिला है और एक कटिंग ले रहे थे पेपर में, उस कटिंग में 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री को 6 वीर चक्रा, 5 सेना मेडल, 1 MVC पोस्टमस, 12 अवार्ड मिले हैं। तो आप एकाएक MH देहरादून में आप वहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गए। वहाँ उस वक़्त लड़ाई का इतना हमारे पूरे देश में लड़ाई के टाइम में, ये मुझे कहने में बड़ा फख्र है कि हर एक लड़ाई के टाइम में हमारा पूरा देश फौज के पीछे है और पूरा देहरादून वहाँ मुझे मिलने के लिए, देखने के लिए, फ्रूट लाने के लिए, ड्राई फ्रूट लाने के लिए, अंगूर लाने के लिए
वहाँ जाता रहा, मैं तो खा नहीं सकता था। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, आप फिर पलटन में वापस आए? जब मेरा ऑपरेशन हो गया और जो रिकोशे जो था हाथ में लगा हुआ था निकल गया और बुखार उतर गया, तो मैं थोड़ा बहुत चलने फिरने लगा। उस वक़्त मुझे मार्च के आखिर में, मार्च 72 में मुझे फिर जलंधर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। और जलंधर हॉस्पिटल में हमारे जो कोर कमांडर 11 कोर के जनरल रॉली, जो सेकंड वर्ल्ड वार के मिलिट्री क्रॉस विजेता हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा और वहाँ मेरे साथ आप चल के आपने एक्शन किया है कि कैसे बताएंगे। मैं मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे कोर कमांडर आज मुझे अपने हेलीकॉप्टर में वहाँ ले जा रहे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं। याद तो मुझे उसमें उस वक्त भी मार्च का आखिरी हफ्ता था या था, कौन सी डेट थी याद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं लड़ाई में उस वक्त बुझ पर ही हूँ। हर चीज़ जबानी याद थी। मैंने उनको एक जगह से दूसरी जगह बताया और बताया, और जो जो बुझ पर जो पुष्ट बंकर बने हुए थे जहाँ बलूचिस को हमने दबाया था, पाकिस्तान के जवानों को दबाया हुआ था, वो मट्टी साफ लग रही थी कि यहाँ यहाँ दबाया हुआ है। कई बंकर्स को तो जवानों ने खोल के वहाँ हड्डियाँ मिली, और तो क्या मिलता उन हड्डियों के अलावा उस टाइम कई महीनों के बाद। देखा तो आपने, ब्रिगेडियर रणबीर सिंह ने आज आपको युद्ध की सच्चाई और वास्तविकता बताई जो फिल्मी दुनिया से बहुत अलग है। ये युद्ध है, कहीं से भी किसी के लिए गोली आ सकती है। वो खुद इस युद्ध में घायल हुए थे। 15 मराठा को बैटल ऑनर बुर्ज मिला, थिएटर ऑनर पंजाब मिला। सर, आपने हमारे श्रोताओं से बात की, अपने अनुभवों को साझा किया, बहुत शुक्रिया। आपने अब वक्त निकाला और रेड ओवर ग्रीन की टीम को आपने अपने घर बुलाया और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं भी और मेरी वाइफ भी आपकी रेड और ग्रीन टीम की, आपकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि बुर्ज की लड़ाई को दोबारा से याद कराऊं। थैंक यू सर।